एम्पायर शूटिंग शर्टिंग टेलरिंग केएमआर होलसेल फ्लावर मार्ट भारत फर्नीचर्स मुनीर मोबाइल। नाज़रीन आदाब, एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। नाज़रीन, शहर की टिपू सुल्तान रोड एक अहम सड़क है जो कि तहसील दफ्तर से जिला डिप्टी कमिश्नर दफ्तर को जोड़ती है और म्यूनसिपलिटी से जिला पंचायत तक इसी सड़क से गुजरना पड़ता है। इस अहम सड़क को की तोसी के लिए गुज़िश्ता 3 महीने कबल इंतजामी कार्रवाई अमल में लाई गई थी। इंतजामी कार्रवाई के बाद दोनों तरफ नालियां बनकर सड़क बननी थी, लेकिन 3 महीने से अभी तक इंतजामी कार्रवाई ही चल रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर आवाम को चलना फिरना काफ़ी दुश्वार हो गया है। बिलखसूस जुमे के दिन नालियों का पूरा पानी सड़क पर आता है, जिसकी वजह से नमाजियों को आने जाने में काफ़ी दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं। इसके अलावा यहाँ के कारोबार गुज़िश्ता 3 माह से बंद है, जिसकी वजह से कारोबारी अफराद भी काफ़ी परेशान हैं। ऐसे में बल्दिया इंतहाई सुस्ती और काहली से काम अंजाम दे रही है। जो गुत्तेदार हैं, वो गुत्तेदार कभी कभार साइट पर आते हैं, ज़्यादातर उनके गुमास्ते ही वहाँ पर मौजूद होते हैं, जबकि बल्दी अहदेदारान यहाँ पर मुआयना करने से हमेशा गुरेज करते आ रहे हैं, जिसकी वजह से बार बार मकान मालिकीन जो पैसे वाले हैं वो आगे तक तोड़ने भी नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से नाली की तामीर में ताकत हो रही है। इसको लेकर यहाँ की आवाम का ये इल्ज़ाम है कि इंतजामी कार्रवाई के दौरान भेदभाव किया जा रहा है। जो अमीर हैं उन्हें उनके कम हिस्से को मुनदिम किया जा रहा है, जो गरीब हैं उन्हें पूरी तरह दबाया जा रहा है। इसकी एक मिसाल भी पेश की गई कि इस सड़क पर वाक़ा लक्ष्मी नारायण अस्पताल, जो कि 1.5 फीट उसकी इमारत टूटनी थी, लेकिन 1.5 फीट आगे तक छोड़कर नाली खोदने का काम किया जा रहा है। इस तरह भेदभाव की वजह से भी यहाँ पर काफ़ी ताखिर हो रही है। इस सिलसिले में यहाँ के कायदीन ने मुतालबा किया कि इस सड़क को जल्द से जल्द तामीर किया जाए और जल्द से जल्द नालियों की तामीर अमल में लाई जाए। इस खसूस में जिला टिपू सुल्तान संघ के मोहम्मद नासिर मेहतर और दीगर ने भी मीडिया से गुफ्तगू की और अपने मसाइल बयान किए। तो टिपू सुल्तान रोड वाइंडिंग के लिए आप जो पीछे मेरे पीछे देखिए, टिपू सुल्तान रोड वाइंडिंग हो रहा है। ये 4 महीने कबल चालू का काम चालू होकर 4 महीने हो गया है। ये काम इतना स्लो हो रहा है, लोगों को इतनी तकलीफ हो रही है, एरिया में रहने वालों को, नमाजों को आने जाने को, फोर व्हीलर ले जाने के लिए, ऑटो ले जाने के लिए। मैं इससे पहले भी एक मरतबा पेपर में कह चुका हूँ जल्द से जल्द काम होना, फिर कल भी मैं एक पेपर में कह चुका हूँ पूरे पेपरों में, ताकि यहाँ पे दिल में आए जैसा काम कर रहे ऑफिसर्स। हम ऑफिसर्स को बात करें, फिर चेयरमैन जो आप आज के नए चेयरमैन हैं विनय कुमार साहब से मैं फ़ोन पर रब्ता किया, उनको कहा साहब ऐसा हो रहा है यहाँ पे, दिल में आए सरकार तोड़ रहे, दिल में आए सरकार छोड़ दे रहे, जो आदमी गरीब है उसको ज़्यादा मार रहे, जो आदमी अमीर है उसको कम मार रहे, ये तरीका ना हो। वो तो चेयरमैन साहब बोले मुझे एक लेटर भिजा दीजिए आप, मैं इंशाल्लाह उसको देख के उसका क्या है इंक्वायरी करते हो। मैं चेयरमैन साहब को लेटर भी दे दिया हूँ। लोग कह रहे हैं भाई, हम म्यूनसिपालिटी को हम ब्लेम नहीं कर रहे, जो नाली बनने पहले नाली बनाने से पहले आप घर बनाओ, म्यूनसिपालिटी वाले अपील करें उसको फॉलो करें, इस वाले फ़ायदे में है। जो एडवांस काम कर ले उनको नुकसान है। हम म्यूनसिपालिटी को ये नहीं कर रहे, म्यूनसिपालिटी वाले गलत कर रहे बोल को, लिहाजा लोग बोल रहे क्यों भाई बनाने के एक दिए उनको बनाए बाद तोड़ रहे क्यों नहीं, नाली पे आके तो क्यों नहीं तोड़ रहे, पैसे खाए होंगे ये लोग ऑफिसर, इस वास्ते नहीं तोड़ रहे। मैं क्या बोल रहा हूँ उन ऑफिसर्स को, आप किसी का मत सुनिए। जो हमार को 45 रोड बोले हैं आप, 2.5 फीट ड्रेन है इधर, 2.5 फीट ड्रेन है, 40 फीट रोड है। हम पब्लिक को जो वादा करें वो वादे के मुताबिक आप काम करो बोल के हम लोग बोल रहे हैं। लिहाजा हमारी गुजारिश है टिपू सुल्तान की पब्लिक के तरफ से, मैं अपील करता हूँ जल्द से जल्द काम मुकम्मल करके रोड बना के हमारे को हैंड ओवर कर दीजिए। नहीं, बस जगह आधी बस जगह सारी है। रोड एंडिंग में भी जो है ना कहीं ज़्यादा कहीं कम हुआ बोल के सुने हैं, ये बात सही है? वही तो बोल रहा ना, मैं भी तारातम्बी बोल कल जो पेपर में दिए वही वजह याद है आपके। टिपू सुल्तान सीएमसी कॉम्प्लेक्स का देखिए, झाड़ है, झाड़ काटने के लिए 4 महीने से झाड़ नहीं कटकटाए। म्यूनसिपालिटी में क्या काम हो रहा आप देख लीजिए, म्यूनसिपालिटी के सामने खुद काम कंप्लीट नहीं हुआ तो आगे क्या खाक कंप्लीट होता। म्यूनसिपालिटी झाड़ निकालने के लिए 4 महीने होना म्यूनसिपालिटी वालों को, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को एक लेटर दे दिए तो वो लोग आके अपना काम कर दे, ड्रेन का काम हो जाता,
तकरीबन जहाँ पे कंप्लीट हो गया वहाँ पे पोल डाल के आधी रोड डाल के, तो आधे रोड तो लोग तो खुश रहे थे, पूरा वहाँ खड़े तक हम इंतजार करना है, तो अभी एक साल तक भी ये लोग काम नहीं करते। लिहाजा हमारी गुजारिश है जल्द से जल्द कंट्रैक्टर के ऊपर वो लोग ऑफिसर, एक ऑफिसर नहीं साहब काम किया यहाँ पे, सिर्फ कंट्रैक्टर, उसके गुमाश्ते कंट्रैक्टर भी नहीं रहते, गुमाश्ते रहते क्या काम कर रहे, कैसा काम कर रहे, कैसा टेप पकड़ रहे बोले तो मालूम नहीं, क्या बोले नहीं भाई 45 फीट है वहाँ पर देखो बोले तो 43 आता 42 आता, लोग एतराज़ करते। यहाँ पे हमारे पास मुंडिया था घोड़ा ऊपर के छत्ता, वहाँ जा आगे जाकर देखो अब लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल सामने देखो आज तक काम नहीं हुआ, क्या बोलो तो कोविड है, कोविड पेशेंट है, एक पेशेंट नहीं है उसके दवाखाने में। अब जाके ना चेक करते म्यूनसिपालिटी वाले, ऑफिस में बैठ को बिल ना लिखते, ऑफिस में बैठ को काम करते, बस आओ ऊपर आते नहीं, बाहर आते नहीं, बाहर आके क्या तक काम हुआ बोल कोई ऑफिसर देखता नहीं। लिहाजा मैं म्यूनसिपालिटी के ऑफिसरों से गुजारिश करता हूँ, वो आप जहाँ पे काम चल रहा है इंस्पेक्शन करिए, सख्त से सख्त कड़ी से कड़ी उन लोगों को आके इंस्ट्रक्शन देके काम कंप्लीट कराइए। आप कुछ बोलना चाह रहे थे? बोलो बोलो, मस्जिद में बोलो हमारे यहाँ पर मस्जिद रज़ा मुस्तफ़ा के सामने भी ड्रेन खोदा गया, अब तक इसका काम शुरू नहीं हो सका, हम उसके मुंतज़िर हैं, काम अगर मुकम्मल हो जाता है तो हम गेट वगैरह बना लेंगे मस्जिद का, अभी तक हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है काम क्यों नहीं हुआ बोल के, खाली JCP से एक आध फीट खोद दिए और आगे बढ़ के चले गए। हर जगह का यही हाल है, कहीं खोदे हुए हैं तो कहीं जो है ना रॉड बिछाए हुए हैं, काम एक सुई के साथ तरीके के साथ नहीं चल रहा है। तो हम म्यूनसिपालिटी के तमाम ही जो है ना ऑफिसर्स के साथ, ऑफिसर्स को वगैरह हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, अपील करते हैं, रिक्वेस्ट क्या करेंगे, उनकी ड्यूटी है, इट इज़ नॉट रिक्वेस्ट, इट इज़ देयर ड्यूटी, वो लोग आए यहाँ पर जो है ना सही से देखें, इंस्पेक्शन करें, काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की कोशिश करें। जो रोड पे म्यूनसिपल ऑफिस ऐसे है टीपू सुल्तान रोड पे जो कटिंग हो रही है बिल्कुल सही नहीं है, यहाँ से वहाँ तक पूरा गलत काम कर रहे हैं, और जहाँ पे बोले जैसा दिल में आया वैसा काम कर रहे हैं, नालियाँ का काम देंगे तो इतने इतने चौड़े हैं ना एंगल बना के उसको है ना जाली नहीं क्या भी नहीं, खाली नालियाँ देखने बना दे रहे, नाम को नालियाँ बन रहे, उसमें पानी जाता नहीं क्या भी नहीं, बाकी का पूरा रोडों पे जाता, रोडों पे भर जाता, और वहाँ पे देखो खंदक का है ना बंद करके पूरा खंदक हमेशा हमेशा को वास्ते खंदक किस वास्ते रख दिए, हमेशा गंदगी जाने के वास्ते खंदक रखे, और वो खंदक को बंद करके अब उसको रोड ये कर रहे और उसको कोई पूछने वाले नहीं है। आज खंदक बंद हो गया तो आगे पानी घरों में घुस जाता, नालिया में इसमें आ जाता, रोडों पे और तकरीबन मड़िया में घुस जाता, और देखने वालों के लिए क्या होता, पानी इतना पानी आ गया, पानी नाले में गया तो ना नाले में जाता इतनी पूरा रोड के ऊपर आ जाता, इस तरीके से काम हो रहा है और कोई काम सही नहीं है। जहाँ पे पूरा तकरीबन देखे तो रायचूर पूरा सत्यानाश 250 रायचूर कितना है यहाँ से वहाँ तक 8x8 का नहीं है, पूरा तकरीबन मिलाओ 8 किलोमीटर नहीं है रायचूर अतराफ से, पूरा रायचूर बेकार रायचूर है, इतना थर्ड क्लास नंबर वन है रायचूर में, थर्ड क्लास में बोल तो हर जगह के रोड देखो कितने गड़े पड़े हुए हैं, जा रही पब्लिक खामोश फिर रही है, इतनी रायचूर की खामोश है पब्लिक, बेकार पब्लिक है, कोई पब्लिक में दम नहीं है और कोई लीडरों में दम नहीं है, नाम के वास्ते वोट लेने आते उसके बाद देखो तो फिर पता ही नहीं, और पूछो क्या भी नहीं, इधर उधर फिरते रहते, ऐसा खाते पीते चलते फिरते चले जाते, और जहाँ पे भी जाओ हर गली में देखो हर रोड पे देखो जिधर भी पूरा तकरीबन रायचूर फिरो पूरा रायचूर तकरीबन बेकार रायचूर है, और नंबर वन में पूरे कर्नाटक स्टेट में बोले तो नंबर वन रायचूर आता बेकारी में, और पूरा इसमें डेवलप में बेकार कुछ डेवलप ही नहीं है, पैसे खा रहे बैठ जा रहे कोई काम ही नहीं कर रहे, और देखने के वास्ते बोले तो खाली है ना क्या बोले तो रायचूर में वहाँ काम चल रहा है यहाँ काम चल रहा है बरसों से काम आ रहे, हर जगह जाके देखो इतना नाच ले तो पैर ले तो गाड़ी पर गए तो है ना डांस कर ले तो जाना पब्लिक, और कोई नहीं है कहाँ बुला खड़े, एक है ना DC को बुला के एक टाइम है ना रिक्शे में बिठा को या कार में बिठा को पूरा रायचूर राउंडिंग करो, उसके बाद मालूम होता किस तरीके इसके रोड आए कोसो गली सही है कोसो गली ये गलत है मालूम हो जाता, सफाई का तो इंतजाम ही नहीं, हर जगह देखो कहाँ बुला कचरा कचरा नाले में कचरा, नाला साफ करने नहीं होता नाला बंद कर दे रहे,